أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today we are starting lecture number 6 19 6 2020. तो हम डिस्कस कर रहे थे वेव्स. तो वेव्स में हमने कैटेगरीज ऑफ वेव पढ़ा था, जिसमें आपके पास क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. फिर हमने मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें आपके पास एक वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और सेकंड आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं. तो कल हमने डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर जो हमारा गुजरा था उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव. सेम आज हम दोबारा से ट्रांसफर वेव्स, कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया, डिफाइन कर दिया था, दोबारा से डिफाइन करते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं विद एन एग्जांपल. इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव्स द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स. के ट्रांसफर वेव में क्या होगा कि वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास वेव हॉरिजेंटल मूव कर रही है तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या है, वो अप एंड डाउन मूव करेंगे. तो वो आपके पास ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव इज हॉरिजेंटल. ठीक है, दैट टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसफर वेव. तो एग्जाम्पल आपके पास इसकी क्या है, वेव ऑन द सर्फेस ऑफ अ वाटर एंड लाइट वेव. बट वी एक्सप्लेन द ट्रांसफर वेव by using slinky springs. ठीक है, slinky spring कल बताया था आपको कि slinky spring आपके पास कौन सा कैसा spring होता है जो कि आपके पास soft होता है और जिसके पास large number of loops होते हैं. तो we can produce transfer wave with the help of slinky wave. Stretch out a slinky along a smooth floor with one end fixed. दोबारा से वही आपने करना है, one end will be fixed. One end will be fixed with a fixed point with the support and the other end hold in your hand. And firstly stretch the spring and after this grab the other end of the slinky and move it up and down quickly. और उसको आपने क्या करना है, slinky spring को इस तरह से hold करने के बाद आपने अपने hand को up and down quickly move करवाना है. Grab the other end of the slinky and move it up and down quickly. A wave in the form of alternate crust and trough will start traveling toward the fixed point. तो आपके पास alternate crust और trough produce होंगे. Crust क्या होता है? अब बच्चे आपके पास ये क्या है? ये loop of spring की equilibrium position है, O position है. ये इसकी क्या है? ए पोजीशन है और ये इसकी क्या होगी, बी पोजीशन होगी. मीन के ये भी है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी और ये भी उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी. तो व्हाट इज क्रस्ट एंड ट्रफ ये हम डिफाइन करते हैं पहले, तो फिर हम इसमें मजीद डिस्कस करेंगे. क्रस्ट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम फ्रॉम द मेन पोजिशन. कि आपके पास हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मेन पोजिशन. अब यहां पर हमारे पास मीडियम क्या है, स्प्रिंग, और उसके पार्टिकल्स को हम क्या कह रहे हैं, जो लूप है आपके पास स्प्रिंग के लूप. ये फर्स्ट लूप हो गया, ये सेकेंड, ये इसी तरह फिर थर्ड है, इसके साथ फिर फोर्थ है, ये जो सर्कुलर लूप है. ठीक है, तो आपके पास द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मेन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट. आपके पास वो पॉइंट्स जहां पर पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो अपनी मेन पोजीशन ये है, मेन पोजीशन से क्या हो, अप हो, वो आपके पास पॉइंट क्या कहलाते हैं, क्रस्ट. ठीक है, और जो मेन पोजीशन से बिलो हो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, ट्रफ. तो ये भी आपके पास क्या है, क्रस्ट. ये भी आपके पास क्या है, क्रस्ट. ये आपके पास क्या है, ट्रफ. और ये भी आपके पास क्या है, ट्रफ. तो व्हाट इज ट्रफ,
द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, कि मीन पोजिशन से जो लो पॉइंट्स हैं उनको आप क्या कहते हैं, ट्रॉफ कहते हैं। वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रॉस्ड और अ ट्रॉफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। यहाँ पर वेव की वेवलेंथ क्या होगी, कंजेक्टिव, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रॉस्ड और अ ट्रॉफ इज कॉल्ड द वेवलेंथ। तो ये क्रस्ट है और इसका कंजेक्टिव क्रस्ट आपके पास क्या है, ये फर्स्ट क्रस्ट है, ये आपके पास क्या है, सेकंड क्रस्ट। तो इन दोनों कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगा ये आपके पास क्या होगी, वेवलेंथ। वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड द यूनिट ऑफ द वेवलेंथ इज मीटर। ठीक है, वो पुरानी बात जो वेवलेंथ में हमने कहा था कि वेवलेंथ को लैम्डा के साथ डिनोट किया जाता है और जबकि इसका यूनिट क्या है, मीटर। वहां पर हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है उसमें हमने क्या रेयरफैक्शन और कंप्रेशन को डिफाइन किया था, और दो कंजेक्टिव रेयरफैक्शन या दो कंजेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है उसको आप क्या कहते हैं, वेवलेंथ। यहाँ पर आपके पास कंप्रेशन और रेयरफैक्शन नहीं प्रोड्यूस हो रही बल्कि आपके पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट आपके पास वो पोर्शन या वो पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं जहां पर पॉइंट्स जो है वो मीन पोजिशन से अप होते हैं। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन इज कॉल्ड क्रस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजिशन इज कॉल्ड ट्रफ। तो जैसे ही आप क्विकली अप एंड डाउन मूव करवाएंगे तो क्रस्ट एंड ट्रफ मूव, क्रस्ट एंड ट्रफ प्रोड्यूस होंगे जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या कर रहे होंगे, अप एंड डाउन मूव कर रहे होंगे। ये यहाँ पर मिसिंग है। तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या है, अप एंड डाउन मूव कर रहे होंगे। जब यही आप एक डायग्राम अपनी बुक से देखेंगे तो उसमें ये मुकम्मल लिखे हुए, पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव अप एंड डाउन, जबकि वेव किस तरह मूव कर रही है, हॉरिजेंटल। वेव मूवमेंट क्या है, हॉरिजेंटल। तो प्रोपगेशन ऑफ द वेव इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन एंड द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज वर्टिकली अप एंड डाउन। नेक्स्ट, ठीक है, तो इस लास्ट वाली एग्जांपल से क्या शो हो गया, ट्रांसफर वेव में हम क्या कह रहे थे कि वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, कि पार्टिकल क्या कर रहे हो, प्रोपगेशन ऑफ द वेव के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो। तो प्रोपगेशन ऑफ द वेव क्या है, हॉरिजेंटल। पार्टिकल क्या मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन। तो ये दोनों मोशन ऑफ द पार्टिकल और मोशन ऑफ द वेव, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो इट्स मीन ये दोनों क्या है, प्रोपगेशन ऑफ द वेव एंड द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इनकी मोशन जो है, तो इससे आपके पास इट्स मीन दैट द वेव प्रोड्यूस इन अ स्लिंकी स्प्रिंग इज ट्रांसफर वेव। तो आपके पास स्लिंकी स्प्रिंग एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप दोनों तरह की वेव प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ट्रांसफर वेव भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। और किस पर डिपेंड कर रहा है कि ट्रांसफर वेव आप प्रोड्यूस करवा रहे हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करवा रहे हैं। जो आप डिस्टरबेंस थ्रू हैंड दे रहे हैं, जो आप हैंड के थ्रू डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, उस डिस्टरबेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर वो डिस्टरबेंस आप वर्टिकली अप एंड डाउन देंगे तो ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस होगी, अगर वो आप बैक एंड फोर्थ मोशन देंगे हैंड के थ्रू तो वो उससे आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है, वेव एज ए कैरियर्स ऑफ एनर्जी। आपके पास वेव्स जो हैं वो कैरियर्स ऑफ एनर्जी, ये हमने डिस्कस भी किया था कि वेव जो हैं वो क्या करती हैं, एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। हमने जहाँ पर स्टार्ट में वेव वाला टॉपिक पढ़ा था, तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजिशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास ये वेव प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ, इट इज बिकॉज वेव्स आर कैरियर्स, वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन अवर लार्ज डिस्टेंस। कि वेव क्या करती हैं, एनर्जीज को कैरी करती हैं और इसके अलावा इंफॉर्मेशन को लार्ज डिस्टेंस तक सेंड करती हैं। ठीक है,
अभी हम सिर्फ इसका ये फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं कि वेव आर कैरियर ऑफ एनर्जी, और इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस किस तरह से होती है ये हमारे पास इंशाल्लाह जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लास्ट में चैप्टर आएगा, लास्ट सेकंड लास्ट चैप्टर 17 आई थिंक चैप्टर है, उस चैप्टर में हम फिर पढ़ेंगे कि वेव्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन किस तरह से ट्रांसफर करते हैं। फिलहाल हम क्या पढ़ते हैं कि वेव के थ्रू एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर करते हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, वन प्लेस टू एन अदर प्लेस थ्रू वेव। फॉर एग्जाम्पल, वेन वी शेक द स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग अप एंड डाउन, जब हम एक स्ट्रेच स्ट्रिंग को अप एंड डाउन शेक करते हैं, वी प्रोवाइड अवर मस्कुलर एनर्जी टू स्ट्रिंग। तो उस वक्त हम क्या कर रहे होते हैं, अपने मसल्स की एनर्जी जो है वो स्ट्रिंग को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उस रस्सी को प्रोवाइड कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट अ सेट ऑफ वेव्स कैन बी सीन ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि स्ट्रिंग के अलोंग जो है वो वेव ट्रांसफर हो रही होती है। ये हमने कहाँ पर पढ़ा था ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने स्ट्रिंग में क्या किया, अप एंड डाउन, जैसे ही हमने मस्कुलर एनर्जी के थ्रू हैंड को अप एंड डाउन मूव करवाया तो आपके पास क्या प्रोड्यूस हुई, ये वेव प्रोड्यूस हुई। अब ये वेव जो है ये इस तरफ मूव करके जा रही है आगे की तरफ। अब इसमें देखें, पी पॉइंट अपनी पोजीशन पर ही अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है, जबकि वेव क्या चाह रही है, आगे की तरफ चाह रही है। मीन के पॉइंट पी अपनी जगह पर ही रहता है, जस्ट जब वेव आती है तो पी पॉइंट क्या करता है, अप एंड डाउन अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर लेता है, और अपनी जगह से ना आगे जाता है ना पीछे जाता है। तो इट्स मीन के आपके पास रस्सी के स्ट्रिंग के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपने पोजीशन पर ही रहते हैं, जस्ट वेव आती है तो वेव्स के थ्रू वो आगे वेव को ट्रांसफर कर देते हैं। इसकी एग्जांपल इसी तरह है कि फॉर एग्जांपल कोई चीज लोडिंग की हुई थी, ठीक है, उस चीज को आपने उतारना है तो आप क्या करते हैं, सम टाइम लाइन बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइन बना लेते हैं, और उस लाइन के थ्रू आप क्या करते हैं, अपनी जगह पर ही कैम अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं, और जो वो चीज होती है आगे तकसीम करने वाली, एक बच्चा दूसरे से लेता है, दूसरा तीसरे को दे देता है, तीसरा चौथे को दे देता है, चौथा पांचवें को वही चीज दे देता है, पांचवा आगे छठे को दे देता है, ठीक है, और वो चीज जो है वो आगे ट्रांसफर हो रही होती है। तो सेम, और जितने भी बच्चे होते हैं वो अपनी पोजीशन पर इसी तरह ही खड़े रहते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वेव और पार्टिकल ऑफ द मीडियम का यही रिलेशन आ रहा है कि वेव जो है वो आगे ट्रांसफर होती चली जा रही होती है, जबकि पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो उसी जगह पर अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं। आप क्या करते हैं, राइट साइड पर हैंड को घुमाते हैं, राइट साइड वाले बंदे से लेते हैं और लेफ्ट साइड वाला जो बंदा आपके खड़ा होता है उसको आप दे देते हैं। तो आप जस्ट क्या करते हैं, अपनी हैंड को वाइब्रेटरी मोशन देते हैं। सेम इसी तरह पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो क्या करते हैं, अप एंड डाउन मूव कर लेते हैं, और वो जो कैरियर चीज होती है वो कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप कोई भी चीज, तो उसको आप आगे क्या कर देते हैं, पार्सल कर देते हैं। तो सेम इसी तरह आपके पास इस वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी में आपके पास सेम यही चीज होती है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो जस्ट इतना रोल प्ले कर रहे होते हैं कि वो वेव को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जबकि वेव के ट्रांसफर के साथ खुद वेव के साथ चलकर नहीं जाते, ठीक है। तो इस तरह आपके पास मीडियम उसी तरह ही रहता है, मीडियम के अंदर जस्ट एक दफा वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होती है और उसके बाद मीडियम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, जबकि वेव आगे ट्रेवल करती रहती है, और वेव जहां तक जाती है वो उसी एनर्जी को, उसी इनिशियल जो आपने मस्कुलर एनर्जी दी है या डिस्टरबेंस क्रिएट करते हुए काइनेटिक एनर्जी जो दी थी, वो काइनेटिक एनर्जी आगे ट्रांसफर होकर वेव के थ्रू जा रही है, ठीक है। वो आगे जाकर आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो सेम आपके पास, वी प्रोवाइड अवर मस्कुलर एनर्जी टू स्ट्रिंग, एज ए रिजल्ट अ सेट ऑफ वेव कैन बी सीन ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग। द वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम हैंड डिस्टर्ब द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड सेट देम इन मोशन। तो जो आप हैंड के थ्रू फोर्स दे रहे हैं, उस फोर्स से सिर्फ पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो डिस्टर्ब होते हैं और सेट देम इन मोशन, और उनको मोशन में सेट कर देते हैं। दिस पार्टिकल देन ट्रांसफर देयर एनर्जी टू एडजेसेंट पार्टिकल। वो पार्टिकल क्या करते हैं, साथ वाले एडजेसेंट पार्टिकल। एडजेसेंट पार्टिकल क्या है,
एक पार्टिकल के साथ जो दूसरा पार्टिकल पड़ा है उसको आप क्या कहते हैं, जो साथ जुड़ा हुआ हो उसके एडजेसेंट पार्टिकल्स आप, ठीक, उसे कहते हैं। तो वो एडजेसेंट पार्टिकल्स को दे देते हैं और खुद फिर अपनी वाइब्रेटरी मोशन को खत्म कर देते हैं। तो इस तरह आपके पास क्या होती है, रेगुलरली आपके पास एक डिस्टरबेंस इन द मीडियम प्रोड्यूस होती चली जाती है और वेव ट्रांसफर होती जाती है। एनर्जी इज दस ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस ऑफ मीडियम टू एन अदर इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो वो जो एनर्जी है मीडियम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह इन फॉर्म ऑफ वेव जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। एनर्जी दस ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस ऑफ मीडियम टू एन अदर इन द फॉर्म ऑफ वेव। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी बाय वेव। अब आपके पास सेकेंड चीज आ रही है, हमें ये तो पता चल गया है कि वेव के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। अब वो जो एनर्जी है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है, वेव एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी बाय वेव डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन। मीन के उसकी मेन पोजिशन से जितना आप एक झटका देंगे, जितना लंबा झटका देंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, इतना ही मीन के आप अपने बाजू से क्या लगाएंगे, जोर लगाएंगे। अगर आपने ज्यादा लंबा झटका देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हाथ से जो एनर्जी दे रहे होंगे वो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, उसका डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, इतनी ज्यादा आपके पास क्या होगी, इतनी ज्यादा एनर्जी की वेव प्रोड्यूस होगी। तो डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स मीन इट्स रेस्ट पोजिशन डेट द एनर्जी इन अ वेव डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो मेन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन का तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो इट्स मीन एनर्जी इन अ वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो सबसे पहले एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जितना ज्यादा लंबा झटका देंगे उतना ही ज्यादा आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, एनर्जी की वेव प्रोड्यूस होगी। और सेकंड, आपके पास अगर आप कोई काम जल्दी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग को अप एंड डाउन जो वाइब्रेट करेंगे उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे। तो वो जो अप एंड डाउन, जितनी ज्यादा स्पीड के साथ आप उसे अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन जितनी ज्यादा स्पीड के साथ वाइब्रेट करवाएंगे, इतनी ज्यादा आपके पास क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो सेकंड वो चीज जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जब अप एंड डाउन आप जितनी स्पीड बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो ज्यादा कंप्लीट हो रही है। अगर आप इनिशियली 1 सेकंड में एक वाइब्रेशन कंप्लीट करवा रहे हैं, फिर आप स्पीड बढ़ाकर 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन कंप्लीट करवा देते हैं, फिर स्पीड बढ़ाकर 1 सेकंड में 3 वाइब्रेशन कंप्लीट करवा देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो उससे जो वेव प्रोड्यूस होगी उसकी भी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इफ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर वी गिव मोर एनर्जी पर सेकेंड टू प्रोड्यूस वेव ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। तो हायर फ्रीक्वेंसी की वेव कब प्रोड्यूस होगी, जब आप मोर एनर्जी पर सेकंड हैंड के थ्रू देंगे। द वेव डिलीवर्स मोर एनर्जी पर सेकंड टू पार्टिकल ऑफ अ स्ट्रिंग एज इट मूव फॉरवर्ड, ठीक है, एज इट मूव्स फॉरवर्ड। तो इट्स मीन द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरीड बाय वेव डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। 1 फैक्टर इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड सेकेंड फैक्टर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। 1 फैक्टर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव and second factor frequency of the wave. Energy is directly proportional to the amplitude of vibration and amplitude of the wave, and energy is directly proportional to the frequency of the wave. Next, last aapke paas activity aa rahi hai. Water wave also transfer energy from one place to another place as explained below. ठीक है, एक और example aa rahi hai, uske through hum check karte hain ki kis tarah se energy transfer ho rahi hai. Ab for example बच्चे आपके पास जिस तरह एक टेबल के ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है और उस चीज को आप बगैर टच किए हिलाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, टेबल पे जोरदार मुक्का मारा। जैसे ही जोरदार मुक्का मारते हैं तो टेबल पूरा क्या करने लग जाता है, हिलने लग जाता है।
ठीक है, तो उस हिलने से जो टेबल के ऊपर चीज पड़ी हुई होती है वो भी अपनी पोजीशन से थोड़ी डिस्प्ले हो जाती है। तो सेम इसी तरह अब हम यहाँ पर भी इसी तरह से एक वेव के थ्रू हम देखेंगे कि आपके पास किस तरह से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आप एक वाटर लेंगे और उस वाटर के ऊपर एक कॉर्क रख देंगे। कॉर्क कोई लकड़ी का या आपके पास लेस डेंस मटेरियल देन वाटर होगा, ठीक है। ऐसा मटेरियल कॉर्क ऐसे मटेरियल का बना हुआ हो जो आपके पास लेस डेंस हो, जो पानी की सतह के ऊपर तैरता रहे, ठीक है। उसको आप पानी के ऊपर रख देंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, उस वाटर के अंदर वो जो पानी होगा उस पानी के अंदर एक पत्थर फेंकेंगे। तो जैसे ही पत्थर फेंकेंगे तो उससे आपके पास क्या प्रोड्यूस होंगी, वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। जैसे यहाँ पर पत्थर फेंकेंगे तो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ पर अगर कोई कॉर्क पड़ा है तो वो कॉर्क क्या करेगा, इस वाटर वेव जिस तरह आएगी इसी तरह अप एंड डाउन मूव करेगा। ये इसी तरह होता है जिस तरह आपके पास समुंदर के अंदर वेव आ रही होती है, कोई बड़ी वेव आ रही हो तो वो जो समुंदर के अंदर कश्ती जा रही होती है उस कश्ती के नीचे से जब वो वेव पास करती है तो उस कश्ती को वेव क्या करती है, एक दफा अपवर्ड मूव करवा देती है, फिर उसी कश्ती को वेव क्या कर देती है, डाउनवर्ड मूव करवा देती है। तो वो किस तरह से मूव करती है, जब वेव का क्रस्ट उस जगह से पास करता है कश्ती वाली जगह से तो कश्ती अपवर्ड मूव करती है, फिर वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आती है। फिर वेव का क्या पास करता है, वहां पर ट्रफ पास करता है तो कश्ती क्या करती है, अपनी मेन पोजीशन से थोड़ा डाउन मूव कर जाती है। तो इस तरह आपके पास क्या होता है कि कश्ती को एक दफा झटका सा महसूस होता है। तो वो झटका कहाँ से उसे मिला है, वाटर वेव की जो एनर्जी थी उस वाटर वेव की एनर्जी में से कुछ एनर्जी जो है वो किस एनर्जी, कुछ एनर्जी जो है वो उस कश्ती को उसने अप एंड डाउन वाइब्रेट करवाने में सर्व कर दी, डिसिपेट कर दी। सेम इसी तरह आपके पास इस फिनोमेना में भी यही होता है। वहां पर कश्ती की जगह हम क्या यहाँ पर यूज कर रहे हैं, कॉर्क यूज कर रहे हैं। और डिस्टरबेंस वेव प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम एक स्टोन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी 10.3, ड्रॉप अ स्टोन इन अ पाउंड ऑफ अ वाटर। एक टब के अंदर आपके पास या एक तालाब के अंदर जो पानी खड़ा है उसके अंदर आप स्टोन फेंकेंगे, वाटर वेव विल बी प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ अ वाटर, वाटर वेव प्रोड्यूस हो जाएंगी ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर एंड विल ट्रेवल आउटवर्ड, और चारों तरफ आउटवर्ड मूव करने लग जाएंगी। प्लेस अ कॉर्क एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलिंग स्टोन। आपने क्या किया है, एक कॉर्क को प्लेस किया है जहां पर आप पत्थर फेंक रहे थे उससे थोड़े से डिस्टेंस के बाद। व्हेन वेव रीच द कॉर्क इट विल मूव अप एंड डाउन अलोंग विद द मोशन ऑफ अ वाटर पार्टिकल बाय गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द वेव। अब आपके पास वाटर ऑफ द पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन, जबकि वेव क्या चल रही है, हॉरिजेंटल मूव कर रही है। तो ये आपके पास ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस हो रही है। इस ट्रांसफर वेव से आपके पास क्या होगा, कॉर्क जो है इट मूव अप एंड डाउन अलोंग विद द मोशन ऑफ द वाटर पार्टिकल। तो वाटर पार्टिकल जिस तरह अप एंड डाउन मूव करेंगे इसी तरह कॉर्क अप एंड डाउन मूव करेगा बाय गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द वेव, जो वेव उस वक्त पास कर रही होगी उस वेव से एनर्जी लेकर। दिस एक्टिविटी शो डैट वाटर वेव लाइक अदर वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। ठीक है, ट्रांसफरिंग मैटर जिस तरह आपको पहले बताया कि आपके पास पानी जो है वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहेगा, ठीक है, या थोड़ा बहुत डिस्प्ले होगा। वो जो डिस्प्ले भी हो रहा होता है उसमें जस्ट क्या होता है, एक एटम दूसरे एटम को धकेल रहा होता है, दूसरा तीसरे को, तो उसी जगह पर जो खड़ा हुआ पानी होता है ना वो ही अपवर्ड मूव करता है। तो अगर आपके पास एक ऐसी जगह है जहां पर पानी का बहाव आगे की तरफ नहीं जा रहा, अब दरिया में क्या होता है पानी एक तरफ बह रहा होता है, या नहर में आपके पास पानी क्या हो रहा होता है एक तरफ बह रहा होता है, तो उस वक्त और कंडीशन आ जाती है। हम खड़े पानी की बात कर रहे हैं जो स्टैटिक पोजीशन पे है, आपके पास जो साकिन पानी है वो किसी तालाब में है या किसी टब के अंदर है या आपके पास किसी और ऐसे जग के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन की हम वाटर की ऐसी पोजीशन की बात कर रहे हैं जहां पर इनिशियल पानी क्या है, एट रेस्ट, जैसे ही हम उसके अंदर पत्थर फेंकते हैं तो वो पानी क्या है उसके अंदर वेव प्रोड्यूस होती है। तो उस वेव के ट्रांसफर होने में जो पानी है वो जस्ट अपनी उसी पोजीशन, पानी जो है उसी पोजीशन पर अप एंड डाउन मूव करता है,
जबकि आगे की तरफ पानी मूव नहीं करता, आगे की तरफ जो चीज मूव कर रही होती है वो सिर्फ वेव मूव कर रही होती है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, अब वाटर भी जो है वो मैटर की एक फॉर्म है, तो मैटर में आपके पास सारे मीडियम आ जाते हैं, कुछ मीडियम मैटर में आपके पास सॉलिड होती है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, लिक्विड होते हैं, तो ये सारे आपके पास क्या आ जाते हैं, मैटर में आ जाते हैं। तो मैटर आपके पास वहीं की वहीं रहती है, जस्ट वेव जो है वो ट्रांसफर होती है, मगर वेव के ट्रांसफर होने के लिए आपको क्या चीज जरूरी होती है, मैटर का होना जरूरी है, ठीक है, ये मैकेनिकल वेव्स के लिए। दिस एक्टिविटी शो डैट वाटर वेव लाइक अदर वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। ई मैटर यहाँ पर क्या है, वाटर, ये ठीक है। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे वेव स्पीड, और इसके बाद फिर रिपल टैंक के लिहाज से हम वेव्स की कुछ फिनोमेना है वो डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्शन, डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन, ठीक है। तो इन बारे में आपने जो 8th क्लास में चीज़ें पढ़ी हुई हैं, रिफ्लेक्शन, डिफ्रेक्शन और डिफ्रेक्शन के बारे में, या स्पीड ऑफ द वेव के बारे में जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है, खास तौर पर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, ये चीज़ें आपने एक दफ़ा रिवाइज करके रखनी है ताकि नेक्स्ट टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है, और आप साथ साथ तैयारी कर रहे होंगे, और इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर तक आपने, नेक्स्ट लेक्चर तक आपने नेक्स्ट लेक्चर तक आपने ना वेव मोशन से पहले पहले, वेव मोशन से पहले पहले एप्लीकेशन ऑफ डैम्प ऑसिलेशन, एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, यहाँ तक आपने ना बच्चे रिवाइज करके रखना है। रिवाइज क्या मीन के आप ये समझें कि आपका टेस्ट होना है, आपने यहाँ तक तैयार करके रखना है, ठीक है। इसका फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लूंगा कि आपका टेस्ट या टेस्ट कैसे लिया जाए, ठीक है, कुछ उसका मैं सोल्यूशन देख लूंगा। वो मे भी आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उन्हीं में से आपके जो कुछ बच्चे हैं उनसे हम डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप पर आपको कॉल कर देंगे, या वैसे हम आपको कॉल कर देंगे, तो या कुछ और हम सोचेंगे। तो आपने ना एप्लीकेशन ऑफ डैम्प ऑसिलेशन तक आपने तैयारी करके रखना है, इस तरह आप समझें कि आपका ओरल या रिटन टेस्ट हो सकता है, स्टार्ट से लेकर एप्लीकेशन ऑफ डैम्प ऑसिलेशन तक, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपका टेस्ट होगा। नेक्स्ट लेक्चर जिस दिन आपका है, मेरे ख्याल में ट्यूसडे को होता है 10th क्लास का, ठीक है, तो ट्यूसडे वाले दिन आपका टेस्ट होगा। वो किसी सोर्स के थ्रू हम कुछ सोचते हैं सोल्यूशन, तो हम उसका आपका टेस्ट ले लेंगे किसी तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।